नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, जो शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। इस चमकीले तारे की खूबी यह है कि जिन लोगों पर यह मेहरबान होता है उन्हें सांसारिक और भौतिक सुख की कमी नहीं होती। जिस व्यक्ति पर यह मेहरबान होता है उसे अपने समान संसार में दौलत और शोहरत से चमका देता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि वह लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो शुक्र के शुभ योग, जिसे राजयोग की श्रेणी में रखा गया है, उसे लेकर संसार में पैदा होते हैं। क्योंकि इस योग को लेकर पैदा हुए लोग अक्सर बेहद धनी परिवार में आते हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि शुक्र का यह शुभ योग क्या है, यह कैसे बनता है और इस शुभ योग का प्रभाव कैसा होता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और दसवें घर में अपनी राशि यानी कि वृषभ, तुला अथवा अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान होते हैं तो मालव्य योग का निर्माण होता है। इसे एक प्रकार का राजयोग कहा गया है। जिन भी लोगों की कुंडली में यह योग बना होता है वह एक संपन्न परिवार में पैदा होते हैं, और यदि ऐसा ना भी हो तब भी वक्त के साथ उनको जीवन में संपन्नता अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मालव्य योग होता है उन्हें बहुत खुले मिजाज का माना जाता है। ऐसे लोग कला, संगीत, साहित्य आदि के क्षेत्रों में अच्छी सफलता पा सकते हैं। अपने कलात्मक कौशल के चलते यह लोग जीवन में ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को आप अक्सर गायकी, अभिनय, मीडिया आदि के क्षेत्रों में सफल होते देख सकते हैं। शुक्र के प्रभाव के चलते ऐसे लोगों में आकर्षण की भी कोई कमी नहीं होती। यह अपने शारीरिक, व्यवहारिक आकर्षण एवं वाणी के प्रभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मालव्य योग बनता है भाग्य भी उनका साथ देता है। ऐसे लोग जीवन में अच्छी धन संपदा एकत्रित करते हैं। भौतिक चीजों के प्रति भी इनका झुकाव रहता है और इनके घर में आपको वह हर चीज मिल सकती है जो आधुनिक समय में ट्रेंड में चल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मालव्य योग वाला व्यक्ति आजीवन भौतिक सुखों का लाभ उठा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मालव्य योग होता है उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद माना जाता है। ऐसे लोग अपने मनपसंद पार्टनर से शादी करने में भी कामयाब हो सकते हैं। चूंकि शुक्र वैवाहिक सुख और रोमांस का कारक भी माना जाता है, इसलिए इस योग के कुंडली में होने से व्यक्ति में रोमांस की भी अधिकता देखने को मिलती है, जो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में भी यह योग बन रहा है तो आपको भी अपने जीवन में वह सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।